महाराष्ट्र में एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है। पीएमएलए कोर्ट ने नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा है और बुधवार को नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया है। मुश्किल में एनसीपी के नेता नवाब मलिक। तीन मार्च तक ईडी की रिमांड में नवाब मलिक। नवाब मलिक पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसते नजर आ रहे हैं। अंडरवर्ल्ड से जमीन खरीदने के गंभीर आरोप के बाद स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा है। नवाब मलिक के वकील ने कोर्ट से उन्हें घर का खाना और दवाई भेजे जाने की इजाजत मांगी है, जिस पर कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो हमारा ऐसा सबमिशन था कि पीएमएलए उस टाइम पर इनैक्ट नहीं हुआ, दवाइयों के लिए एप्लीकेशन किए हैं और वकील इंटरोगेशन में साथ में रखने के लिए। ईडी ने बुधवार को कई घंटों की पूछताछ के बाद नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। ईडी ने जब नवाब मलिक को गिरफ्तार किया तो नवाब मलिक ने क्या कहा वो सुनिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से संबंध होने के गंभीर आरोप लगाए थे। नवाब मलिक पर आरोप है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड के लोगों से जमीन खरीदी। कुर्ला में 2.80 एकड़ की प्रॉपर्टी खरीदी गई। ये प्रॉपर्टी सिर्फ 30 लाख रुपए में खरीदी गई थी। सौदे में शाह वली खान और मोहम्मद सलीम पटेल का जिक्र है। सौदे में फराज मलिक ने हस्ताक्षर किए थे। फराज मलिक नवाब मलिक के बेटे हैं। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में संग्राम छिड़ गया है और एनसीपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। पुणे में एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया, तो वहीं मुंबई में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने नवाब मलिक के समर्थन में उनके घर के बाहर पोस्टर लगाए। मालेगांव में एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आज प्रदर्शन करेंगे। वहीं बीजेपी नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग करेंगे। सुबह 10 बजे मंत्रालय के बगल में जो महात्मा गांधी जी का पुतला है वहाँ हमारे सारे मंत्री है महाविकास आघाड़ी के, ठीक है, हम जाएंगे और धरना धरेंगे। तीनों पक्ष के हमारे सारे कार्यकर्ता जगह जगह पर तालुका प्लेस हो, ब्लॉक हो या डिस्ट्रिक्ट प्लेस हो, जिला हो, वहाँ जो है प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक के आर्थिक संबंध मनी लॉन्ड्रिंग यह ईडी ने स्पष्ट किए। अब तक इतना बुरा समय कभी महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं आया था। जब सीबीआई इंक्वायरी हुई उनका इस्तीफा दिया गया, अब नवाब मलिक का नहीं लेंगे, ये महाराष्ट्र की जनता यह सहन नहीं करेगी। नवाब मलिक की 3 मार्च तक ईडी को हिरासत में दिया जाना ही महाराष्ट्र समेत देश की राजनीति में भूचाल लाने के लिए काफी है। नवाब मलिक पर लगे गंभीर आरोपों पर फैसला आने तक राजनीति में कई तरह के वार पलटवार देखा जाना करीब करीब तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में सियासी माहौल बेहद गर्म है। एनसीपी नेता नवाब मलिक को बचाने की रणनीति अब बना रही है और एनसीपी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां जहां बीजेपी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी का कहना है कि घोटालेबाजों को जेल जाना होगा। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर सियासत भी शुरू हो गई है। एनसीपी के तमाम बड़े नेता नवाब मलिक को मुश्किल से निकालने के लिए नई रणनीति बनाने में जुट गए।
बुधवार को एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार समेत कई नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की। उद्धव ठाकरे के साथ बैठक के बाद महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी के मंत्री छगन भुजबल ने नवाब मलिक के इस्तीफे से साफ इनकार कर दिया। इस्तीफा उनका नहीं दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने कुछ कोई भी गलत काम नहीं किया है। ये सिर्फ उनके ऊपर वो अटैक करते थे विरोधी पक्ष के ऊपर, इसलिए जो है उनको सजा दी जा रही है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी की बैठक में चर्चा हुई कि बीजेपी को उसी के अंदाज में जवाब देने की जरूरत है। बीजेपी नेताओं पर भी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। महाराष्ट्र सरकार ईडी के जवाब में सीआईडी को आगे करेगी। नवाब मलिक के मामले में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एकमत नजर आ रही है। एनसीपी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां जहां बीजेपी पर हमलावर हैं, वहीं बीजेपी का कहना है कि घोटालेबाजों को जेल जाना होगा। अनिल देशमुख के बाद अब नवाब मलिक जेल में रवाना, अनिल परब को अब इंतजार करना है। उद्धव ठाकरे जी के जो घोटालेबाज नेता मंत्री है उन सबको घोटाले का हिसाब देना पड़ेगा। कितनी भी दादागिरी, माफियागिरी, पुलिस का दुरुपयोग फिर संजय राउत या उद्धव ठाकरे करेंगे, किरीट सोमैया और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को घोटाले मुक्त करके रहेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस समय घबराती है इस तरह की एजेंसियों को सामने ला करके लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजती है, हमने कई बार देखा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया था कि उनको खतरा है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है विधानसभा में, कोई पुड़िया निकली थी और बाद में वो पुड़िया निकली बुरादा, लकड़ी का घिसा हुआ पाउडर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी अपमानित कर सकते हैं। मतलब कुछ देशों में जैसे क्रिकेट में तो एम्पायर भी खेलते हैं तो 11 और 2 13, तो उसी प्रकार से भाजपा जहाँ जहाँ चुनाव लड़ती है उसमें फिर उसके साथ साथ ईडी, आईटी, डीआरआई, सीबीआई ये लोग भी खेलते हैं, उसके साथ चुनाव लड़ते हैं, ये उनके पार्टनर हैं। दरअसल नवाब मलिक के अलावा महाविकास अघाड़ी के कई नेता ईडी के रेडार पर हैं और महाविकास अघाड़ी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जाँच एजेंसियों के जरिए उनको टारगेट कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर ऐसे अनेक मिसाल है कि जो केंद्रीय यंत्रणा जो है वो किसी को टारगेट करती है और टारगेट करके कार्रवाई करती है। वहीं बीजेपी को महाअघाड़ी सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। दाऊद जैसे देश के दुश्मन को मदद जिनके माध्यम से हुई उनको बचाने के लिए और उनका मंत्रिपद बचाने के लिए पूरी सरकार उनके पीछे खड़ी है, मुझे लगता है कि इसका देश को जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में महाअघाड़ी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के तमाम बड़े नेता बीजेपी के खिलाफ हमलावर हो गए हैं और नवाब मलिक की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र में सियासी तकरार बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र बीजेपी को अब एक नया मुद्दा मिल गया है। नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेजे जाने के बाद बीजेपी उनके इस्तीफे की लगातार मांग कर रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आज पूरे राज्य में प्रदर्शन करेंगे और उद्धव सरकार से नवाब मलिक का इस्तीफा मांगेंगे। वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महाविकास आघाड़ी के मंत्री और नेता मंत्रालय के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करेंगे। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को भी महाराष्ट्र में कई जगहों पर सड़कों पर उतरकर ईडी के खिलाफ नारेबाजी की थी और आज होने वाले प्रदर्शन में किसी भी गड़बड़ी को देखते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.